मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके बता देता हूँ बाइनेंस एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स है वो कम और ज्यादा हो रहे हैं। इवन मैं आपको कुकॉइन को भी एक बार रिफ्रेश करके बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो एक्सचेंज है वो यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है। एंड अगर मैं किसी भी कॉइन पर क्लिक करूंगा तो नया पेज ओपन हो जाएगा एंड कुछ ही समय में जो प्राइस है उसका चार्ट भी मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको हुबी ग्लोबल को भी एक बार रिफ्रेश करके बता देता हूँ। आप देखेंगे एक्सचेंज रिफ्रेश हो चुका है। इसके अलावा get.io को भी मैं रिफ्रेश करके आपको बता देता हूँ। फिर आप बोल सकते हैं कि फिलहाल जो FIU इंडिया है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नो एक्सचेंज की लिस्ट दी थी कि भाई आप इन एक्सचेंज को ब्लॉक कर दीजिए। आज डेट है 14 जनवरी 2024, यानी कि दो दिन हो चुके हैं। एक्सचेंज के जो URL है वो धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं। आप किसी भी एक्सचेंज की जो वेबसाइट है सिंपली उसको लॉग इन नहीं कर सकते हैं। इवन आप जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी इंस्टॉल नहीं कर सकते एप स्टोर के माध्यम से एंड प्ले स्टोर के माध्यम से। लेकिन ये कैसे संभव है कि बिना किसी VPN को यूज किए गए लीगली प्रोसेस को फॉलो करके मेरे मोबाइल में बाइनेंस एक्सचेंज, कुकॉइन, इसके अलावा जो होबी ग्लोबल है, get.io है, फिर जितने भी नो एक्सचेंजेस है वो ओपन हो रहे हैं और आप भी ओपन कर सकते हैं। इवन मैं आपको अपना अकाउंट लॉग इन करके भी बताने वाला हूँ। सो अगर आपके पास आईफोन है तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, और अगर आईफोन नहीं है तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको दो सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सेम वेबसाइट का जो URL है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में सेम सफारी ब्राउजर में मैं आपको दूसरे पेज पर लॉगिन करके बताता हूँ, जो कि लॉगिन नहीं होने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे सिर्फ ये लोड होगा, ये लॉगिन नहीं होने वाला है। और अगर मैं वहीं पे क्रोम ब्राउजर में भी सेम जो वेबसाइट है उसका URL यहाँ पर डाल देता हूँ एंड अगर सर्च करूंगा तो ये जो वेबसाइट है ये ओपन नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल में हर स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपके पास आईफोन है उस कंडीशन में आप कौन से ब्राउजर को यूज करके और किस प्रकार से यूज करके अपने एक्सचेंज को लॉगिन करके ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को यूज करके आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको VPN को यूज नहीं करना है, क्योंकि बाइनेंस ने आपको क्लियरली मना किया है कि आपको VPN यूज नहीं करना है। अगर आप VPN को यूज करते हो तो सस्पिशियस एक्टिविटी में उनका जो सिस्टम है वो डिटेक्ट करेगा और हो सकता है कि टेम्परेली आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाए। सो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और वैसे भी इलीगल प्रोसेस आपको फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले समझते हैं आईफोन यूजर्स के लिए, उसके बाद में समझेंगे एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स किस प्रकार से FIU की लिस्ट में जो नो एक्सचेंजेस है जो कि बैन हो चुके हैं इंडिया में, उनकी वेबसाइट को आप किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं लीगली प्रोसेस को फॉलो करके बिना कोई VPN को यूज किए। तो सबसे पहले अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आप अपने मोबाइल में सफारी ब्राउजर को ओपन करेंगे। जैसे आप सफारी ब्राउजर को ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको नीचे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है ब्राउजर को शिफ्ट करने का, यानी कि नॉर्मल टैब टू प्राइवेट टैब। जस्ट आप यहां क्लिक करेंगे, पेज देखने के लिए भी आप बोल सकते हैं, पेज ऐड करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर पहला पेज होता है स्टार्ट पेज, ये नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए होता है जिसमें आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड रहती है। अब आपको यहाँ पर जो प्राइवेट वाला ऑप्शन मिलता है ना, इसको सेलेक्ट करना है। आप नॉर्मल जो ब्राउजिंग कर रहे हैं उसमें आप ओपन नहीं कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, गूगल सर्च कर लेना है, डायरेक्टली आप बाइनेंस भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर बाइनेंस सर्च करेंगे, उसके बाद में जैसे आपको बाइनेंस का सर्च रिजल्ट दिखाई देता है फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर बाइनेंस की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसको चेक कर ले कि हाँ ये ऑफिशियली वेबसाइट है, जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सो जो बाइनेंस की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, बट ये सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट वाला आपको ऑप्शन मिलता है ना उसके अंदर ही ये लॉगिन होगा। नॉर्मल जो आपको ऑप्शन मिलता है ना उसके अंदर लॉगिन नहीं होने वाला है, या फिर आप उसको लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर URL को कॉपी कर लिया एंड नॉर्मल ब्राउजिंग पे मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पर जो URL है उसको डाल देता हूँ एंड सर्च कर देता हूँ। सिर्फ ये लोड होता रहेगा। आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंटरनेट है सिंपली वो भी कनेक्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ प्राइवेट पे आता हूँ वापस से और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये रिफ्रेश भी हो जाएगा और मैं अपने अकाउंट को लॉगिन करके फंड भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसी प्रकार से अगर आपके पास आईफोन है और नो एक्सचेंज में से किसी भी एक्सचेंज पर आपका फंड है तो आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं जहां पे भी आप करना चाहते हैं। अब आप में से काफी सारे यूजर्स बोल सकते हैं कि भाई अकाउंट लॉगिन करके नहीं बताया आपने। सो मेरा अदर किसी एक्सचेंज पर अकाउंट नहीं है, बट बाइनेंस
पर है, सो मैं बाइनेंस पर आपको अकाउंट लॉगिन करके बता देता हूँ। एंड मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ना, वो जो अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ वो सेम टाइम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं जनवरी 14 2024 को ही मैं कर रहा हूँ, इवन आप टाइम भी देख सकते हैं। सो मैं अपना एक बार यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड जो भी सिक्योरिटी है उसको फॉलो करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे मैंने दोनों जो वेरिफिकेशन है वो वेरीफाई कर लिए हैं। यहाँ पर ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर डिपॉजिट पर क्लिक करूंगा एंड डिपॉजिट क्रिप्टो पर, सो एक नया पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। बट ये सिर्फ पॉसिबल है कि आप सफारी ब्राउजर को यूज करें एंड जो प्राइवेट ऑप्शन है उसको यूज करें। अब बात आती है एंड्रॉइड मोबाइल यूजर्स की। सो बेसिकली अगर प्ले स्टोर पे सफारी ब्राउजर अवेलेबल है सो आप उसको यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं है सो सेकंड स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं, Coindesix एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर पहले से है तो आप अपने Coindesix ऐप को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट कर ले एंड अपने अकाउंट को लॉग इन करने के बाद में ओपन करेंगे सो फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, डिपॉजिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, किसी भी कॉइन पर आप क्लिक कर ले, फॉर एग्जांपल मैं USDT पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिपॉजिट क्रिप्टो डायरेक्टली फ्रॉम एक्सचेंजेस, एंड यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लिंक एक्सचेंज अकाउंट, यानी कि आप दूसरे एक्सचेंज के अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं Coindesix के साथ में और डायरेक्टली जो क्रिप्टो है उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर मैं लिंक एक्सचेंज अकाउंट पर क्लिक करूंगा उसके बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, इसमें 5 to 10 सेकंड का जो समय है वो लग सकता है या इससे अधिक भी लग सकता है। उसके बाद में आप टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लें, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो एक्सचेंजेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं जिनको आप लिंक करके डायरेक्टली फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं Coindesix पर, और कौन कौन से वॉलेट्स हैं उनकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि किस प्रकार से आप कनेक्ट कर सकते हैं और फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो बिना VPN को यूज किए आप अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं Coindesix ऐप पर अपने अकाउंट को लिंक करने के बाद में। दूसरा जो सफारी ब्राउजर है उसमें जो प्राइवेट ऑप्शन है उसको यूज करके आप लॉगिन भी कर सकते हैं एंड अपने फंड को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं सो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।